सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी हो गए। उनका कहना है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। पीसीबी चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिए इस इस्तीफ़े बारे। आज बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी हुए, बल्कि इसके साथ ही वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर की हैसियत से भी मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को पेश कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे शाह खाविर, उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। वो जब तक नया चेयरमैन पीसीबी नहीं आएगा तब तक क्रिकेट बोर्ड के मामला देखे गए। इसके मुताबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ थे, उनको पिछले दिनों वजारत बैन-ओ-सूबाई राबता खेल ने बोर्ड ऑफ गवर्निंग तश्कील देने से रोका था। उनका इजलास 16 जनवरी को कराची में होना था, लेकिन इजलास से थोड़ी देर पहले इजलास को अचानक मुलतवी किया गया। जो वजारत बैन-ओ-सूबाई राबता खेल की जानिब से कहा गया कि आप बोर्ड ऑफ गवर्निंग तश्कील ना दें, इसके लिए हम वजीर आजम पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके बाद आगे कोई लाहे अमल तश्कील दिया गया। तो इसके बाद जो ज़का अशरफ थे, उन्होंने कहा कि वो आज जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हुई नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उस मीटिंग में ज़का अशरफ ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्निंग तश्कील देने से रोका गया है। जब उनके पास फ्रीडम नहीं, उनके पास काम करने की आज़ादी नहीं, तो इस ओहदे पर रहने का कोई फायदा नहीं। तो मीटिंग के इख्तिताम पर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को पेश किया। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसके चेयरमैन नहीं है। उन्होंने न सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दिया है, बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्निंग के मेंबर की हैसियत से भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने मामला संभाल लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग है वो जल्द तश्कील दिया जाएगा। उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन होंगे और जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा शाह खावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला देखते रहेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया सामा।